नमस्कार, अपना जमुई देख रहे हैं आप और मैं हूं रोहित सिंह। आज जमुई में एक अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, जैसा कि आप विजुअल में भी आप देख पा रहे हैं। अस्पताल का आज उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अभी आप देख पा रहे होंगे। ये बच्चों के लिए एक स्पेशलिस्ट अस्पताल का आज जमुई में उद्घाटन हुआ है। ऐसे अस्पतालों के लिए परस्पर जमुई के लोगों को पटना या भागलपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, मगर इस अस्पताल के खुलने के बाद अब जमुई के लोगों को पटना या बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जमुई में ही बच्चों के केयर की हर एक सुविधा मिलेगी। आइए हम आपको मिलाते हैं इस अस्पताल के संचालक डॉक्टर निलय कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर निलय जो कि इस अस्पताल के संचालक भी हैं, क्या आप जमुई में इतनी बड़ी सुविधा जमुई को देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये एक ऑनेस्ट प्रयास है मेरी तरफ से कि हम एक तरीके के बच्चे को हॉस्पिटल क्रिएट करें। ये जो आप देख रहे हैं हमारा पहला फेज है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि एक तरीके का NICU क्रिएट किया जाए नवजात बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए हम SGU क्रिएट कर रहे हैं, और बाकी जो हमने कोशिश, यही हमारी एक ऑनेस्ट कोशिश है कि हम कैसे एक इन्फेक्शन फ्री कॉस्ट इफेक्टिव हॉस्पिटल क्रिएट करें, जहां पे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो, रेफरल्स हम क्रिएट कर सकें, और बड़े पटना और रांची जैसे जगहों से हम किस तरीके से अच्छी टीम ला सकें ताकि अपने जमुई में अच्छा इलाज हम लोग सुचारू रूप से दे सकें। जमुई में कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा अस्पताल देखने को मिल रहा है, इससे पहले जमुई में बच्चों के लिए अस्पताल था नहीं, इतना सुनियोजित अस्पताल नहीं था, लोगों को पटना जैसे बड़े शहर में जाना पड़ रहा था। आप भी पटना या बड़े शहरों में रह चुके हैं, जमुई आने का कैसे ख्याल हुआ जो कि आपकी मातृभूमि है? मुझे लगा कि इस हम लोग बाहर हमेशा से रहे, मेरी पढ़ाई स्कूलिंग भी बाहर हुई है, मेरी कॉलेजिंग भी बाहर हुई है, हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग आके एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करें, एक अच्छा हॉस्पिटल शुरू करने का एक ऑनेस्ट प्रयास करें। और इससे होता क्या है कि हमारे जिले में भी क्षमता है, अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, हमारे बच्चे वापस अपने अपने घरों में ही आएंगे। अब ऐसे बच्चों के लिए, या ऐसे चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे वो MBBS के छात्र हों, चाहे वो PG की डिग्रीज कर रहे हों, अब एक समय आ गया है कि बच्चे वापस भी आएंगे, तो अब जरूरत है कि हम एक अच्छा हॉस्पिटल क्रिएट करें, अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करें, और एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम लोग देख सकें। ये क्या कुछ स्पेशल है आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस अस्पताल में क्या कुछ विशेष आप दे रहे हैं इन आधुनिक मशीनों के द्वारा? जी, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम एक Level 3 NICU क्रिएट कर रहे हैं आधुनिक मशीनों के द्वारा। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि एक, जैसे आपके पास एक अच्छा वार्मर है, एक अच्छा मॉनिटर है, अब बच्चों का दवाइयां जो जाएगा वो आपको पंप के द्वारा जाएगा, कैलकुलेट होके जाएगा। फिर हमने खास ख्याल रखा है डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है, बाकी हमारे पास मशीन्स हैं जो हाई फ्लो मशीन्स कहते हैं, हाई फ्लो डिवाइसेस होते हैं, इनको आप तरीके से इनको ऑक्सीजन लेवल्स देख सकते हैं, तरीके से आप एयर का कंडीशनिंग देख सकते हैं। बाकी हमारे पास कुछ फेलियर होने के चांसेस में हमारे पास बैकअप्स हैं, ये कोई भी अच्छा ICU बैकअप्स क्रिएट करता है कि हम कैसे उसको फिर देख सकें। तो हमारे पास इमरजेंसी बैकअप सारा सुविधा है, ऑक्सीजन हमारे सारे दौड़ रहे हैं, और कहने का मतलब है कि पहला फेज है कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, उस पर आप निरंतर काम करते रहिए, ये हमारा पहला स्टेप है। हम इसको धीरे धीरे और अपग्रेड करेंगे, प्रयास करेंगे हम इसको और अपग्रेड करने का, यही मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा भी आपने क्या कुछ, जैसे कि महिलाओं के ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिए भी अलग से कमरा बनाया है? जी, मैं एक्चुअली मैंने काम करा, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत जगह हम लोग काम करते हैं, काफी अनुभव लेते हैं हर जगह का। मेरे कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स रहे हैं, काफी मरीज रहे हैं, पेरेंट्स रहे हैं, काफी गरीब बच्चों के भी पेरेंट्स को हमने देखा है, तो सब जगह जाके जो हमने देखा कि इश्यूज जो आती हैं, तो इसी को हमने कोशिश किया, एक हमारी ऑनेस्ट कोशिश यही रही है कि हम उन सब चीजों को अपने हॉस्पिटल में रिप्लिकेट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप कहीं भी जाइएगा, फीडिंग के लिए कमरे नहीं दिए जा रहे हैं, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हमको एज ए डॉक्टर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, या एज ए पर्सन हमको ये चीज रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि एक प्राइवेसी है, तो उसके लिए कमरे दे रखे हैं हमने अलग से। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक तरीका है बच्चे को लाने का, एक फ्लो है, हमारा जो मेन जो है सोर्स, कहीं भी इन्फेक्शन का सोर्स हम नहीं लाए, ये इन्फेक्शन फ्री NICU कैसे क्रिएट किया जाए, ये एक ऑनेस्ट प्रयास है जिसकी हमने फर्स्ट स्टेप, मैंने कहा फर्स्ट स्टेप है, अब हम उसको और अपग्रेड करेंगे आने वाले समय, और फिर
हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम जनता से फीडबैक लेंगे कि हमारी कहाँ दिक्कतें आ रही हैं या कहाँ आपको लग रहा है हमको और एफर्ट लगाना चाहिए, हम उस लेवल पे फिर आएंगे उसको। तो हम एक हमारा भी अनुरोध रहेगा कि अगर हमारे इस प्रयास के बाद भी अगर यदि लगता है कि हमें और कुछ इंप्रूव करना था तो हमें फीडबैक दीजिए, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको कोशिश करने का। कहने का बात है, इस प्रोफेशन में एक ऑनेस्ट सिस्टम को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। और जैसे आपने पूछा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके हॉस्पिटल्स में, तो हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत होगा जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। अगर कोई इवेंट हो रहा है तो डॉक्यूमेंट करना, छोटे छोटे नर्सेज जो हैं वो तरीके से ओवर दें, एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, फीडबैक सिस्टम होता है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के मरीजों के लिए, उनके पेरेंट्स को बताया जाए कि क्या आपके बच्चे की कंडीशन है। हमारा काम है हॉस्पिटल क्रिएट करना, इलाज करना, लेकिन बचाने में हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, ये बात बहुत सर्टन है। बचाने का कोई भी डॉक्टर प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास ऑनेस्ट होना चाहिए, एफर्टफुल होना चाहिए, और इस बीच में पेरेंट्स के साथ अच्छी वार्ता होनी चाहिए। तो हम लोग, यही मेरा प्रयास है कि हम तरीके से चीजों को करें। हम कोई ऐसा क्लेम नहीं करेंगे कि हमारे पास ये है वो है 24 घंटे, हम कोशिश करेंगे हम करके दिखाएं। इतने बड़े अस्पताल को आपने जमुई को दिया है, तो कहीं ना कहीं आज के दौर में रोजगार की भी गारंटी आप देने के जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल है, जरूरत है, यहाँ कर्मियों की आवश्यकता होगी, क्या जमुई को इसके साथ आप रोजगार भी देने का प्रयास करेंगे? जी, मेरी कोशिश रहेगी। अगर कोई युवा नर्सिंग स्टाफ है या कोई लोग जुड़ना चाहेंगे, बिल्कुल उनको ट्रेन करेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। यदि किसी को कोशिश करेंगे उनको अच्छा सिखाया जाए, अच्छा बताया जाए। और एक आपका परिवार जमुई में वैसे भी सुप्रसिद्ध रहा है, अनेक प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, और आप चिकित्सा के रूप में जमुई के बच्चों को सुविधा दे रहे हैं। बच्चे को कहा जाता है कि भविष्य होते हैं, और भविष्य का क्या अब जमुई का भविष्य बच्चा एक सुरक्षित हाथों में आने जा रहा है? नहीं, इसमें हम सबको आना पड़ेगा, समाज के हर वर्ग को आना पड़ेगा साथ में, और एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट हो, हर लेवल पे लोग आए तो ही पॉसिबल है। हम अपना पार्ट अच्छा प्ले करें, आप अपना पार्ट अच्छा प्ले करें, इसी से समाज बनता है। तो इससे पहले, जमुई में आने से पहले, आप अपने डॉक्टरी चिकित्सीय जो सेवा है वो कहां कहां दे चुके हैं, ये जमुई की जनता भी जानना चाहती है। जी देखिए, मैं दिल्ली में चाचा जरूर अस्पताल में कार्यरत रहा हूं। मेरा वहां पे मुख्यतः मेरा काम था पीडियाट्रिक आईसीयू में, जो गहन चिकित्सा विभाग होता है बड़े बच्चों के लिए, वहां मैंने 2 साल काम किया। फिर फोर्टिस और मैक्स जैसे अस्पतालों में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया। उसके बाद फिर लगा कि कहीं ट्रेनिंग में और अच्छा करना चाहिए या और सीखना चाहिए, तो हमने फिर रानी हॉस्पिटल रांची में है, बच्चों का, बड़े बच्चों का और अच्छे बच्चे का एक अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे NICU का काम करा। उसके बाद अभी रांची में विभिन्न अस्पतालों में एज ए कंसल्टेंट मैंने कार्यरत किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। जमुई में एक चीज देखी जाती है, इमरजेंसी की सुविधा बहुत कम मिलती है, क्या यह अस्पताल 24 घंटा जमुई के बच्चों के लिए इमरजेंसी में खुला है? नहीं, अभी हम लोग, मैंने कहा कि अस्पताल बनाना फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है उसको रन करना। फर्स्ट फेज में हम लोग आ रहे हैं, सेकंड फेज रनिंग करेंगे। हम यही प्रयास करेंगे कि आने वाले 3 से 6 महीने में हम पूरी सुविधाएं दे सके। अभी आई कैन नॉट क्लेम कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ये फॉल्स क्लेम होगा टू बी ऑनेस्ट, बट वी आर ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट, वी विल डू व्हाट वी कैन। बट एट प्रेजेंट मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैं कल से 24 घंटे की सुविधाएं दे रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा, हर हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है और फेजेस होते हैं, अभी हमें लोग ट्रेन करने हैं उस तरह से, उसके बाद हमें देखना है हमारे कहां फेलियर्स हो रहे हैं उसके बाद, लेकिन हमें विद इन 3 to 4 months हम लोग अच्छे से वर्क कर लेंगे, ये मेरा एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर निलय मौजूद थे जो बता रहे थे कि क्या क्या सुविधा जमुई को मिलने जा रहा है अस्पताल के बाद, और ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि क्या कुछ नया जमुई को मिलने जा रहा है, और आगे भी पब्लिक के ओपिनियन के अनुसार वो और भी सुविधाओं को बढ़ाएंगे। अपना जमुई के लिए मैं रोहित सिंह।